नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लालू प्रसाद यादव की बहू अब बिहार की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार क्या है बड़ी खबर, विस्तार से देखेंगे। नीतीश कुमार पर बना इस्तीफा देने का दबाव, एक बार फिर से बड़ी खबरें बिहार से जुड़ी हुई निकल कर सामने आ रही है, विस्तार से देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लालू प्रसाद यादव दिल्ली निकलने से पहले बोले कि मोदी का खेल होगा समाप्त, बिहार के जन धरती से किया जा रहा है ऐलान। इसके साथ नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव को लेकर के हुंकार भरा, कहा मोदी सरकार ने 14 से लेकर 24 तक सर से आसमान तक ले गई कांग्रेस। और इसके साथ ही बात करेंगे जीतन राम मांझी बिहार के महागठबंधन से अलग होने के बाद में एनडीए कर सकते हैं ज्वाइन, बड़ी खबर। शुरुआत करते हैं बड़ी और मुख्य समाचार से। जी हां, इस वक्त चिराग पासवान ने 2024 पर पूरा फोकस जमाया है, लेकिन इसके साथ ही आज तेजस्वी यादव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी सामने आई। बिहार के वैसे तो दो युवा चेहरा जी हां इस वक्त खूब सुर्खियां बिटोर रहे हैं, पहला तेजस्वी यादव, दूसरा चिराग पासवान। चिराग पासवान ने जी हां आपको बता दें रामविलास पासवान की जयंती से लगातार जी हां तेजस्वी यादव का नामों का जिक्र कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ गलती तेजस्वी यादव की है। ऐसे में क्या नई जानकारी सामने आई है, आइए विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले जिया सीबीआई की छापेमारी के बाद में स्पष्ट तौर पर जिया तेजस्वी यादव के नामों का जिया चार्जशीट दायर किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के नाम का चार्जशीट दायर किए जाने के साथ ही यह बात स्पष्ट हो गया था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और ऐसे में मिली एक नई जानकारी के मुताबिक सूत्र बताते हैं कि अगर तेजस्वी यादव जेल जाते हैं तो राज्यश्री को अगला बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि ईडी तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी के लिए जीभ लपलपाई बैठी है। इधर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी अगर ईडी करेगी तो किस आधार पर? दिल्ली का जो बंगला है जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपए थी, आज वह 500 करोड़ का बंगला है, और ऐसे में जॉब फॉर लैंड मामले में उसकी तमाम भूमिकाएं भी मानी जा रही है। ऐसे में कई नई जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा भी तेजी से बढ़ रही है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने के लिए जिया ईडी ने नया माहौल तैयार कर लिया है, और ऐसे में गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। आपका इस पर क्या राय है? दोस्तों, आपको आज बता दें कि मॉनसून ने करवट फेर दिया है, जिसके वजह से जगह जगह पर जबरदस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से बता दें कि तमाम जगहों पर गजब का नज़ारा देखने को मिला है, लेकिन मॉनसून सत्र में जिया मॉनसून के जिया मूड मिजाज में कुछ नया रंग रूप है। ऐसे में बारिश होने की संभावनाएँ व्यक्त की गई है, आपको भी घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। ऐसे में दोस्तों आसमानी बिजली से आपको बच करके रहना चाहिए, क्योंकि आसमानी बिजली सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है इस वक्त, तो आप काफी ज्यादा बच करके रहें और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि खुद को सेफ सिक्योर रखा जाए। दोस्तों फिर से बता दें कि आसमानी बिजली के खतरे के कारण कई लोगों की इस वक्त तक जिया जान गई है, और ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा बचना चाहिए, घरों से बाहर निकलने से पहले खुद का प्रोटेक्शन ध्यान देना चाहिए ताकि खुद को आप सेफ रख सकें। बहुत जरूरी है आसमानी बिजली बचना मॉनसून के इस मौसम में, जिया बिजली का आसमानी बिजली का। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान वैसे खूब सुर्खियां बिटोर रहे हैं इस वक्त, लेकिन चिराग पासवान के नाम की चर्चा आखिर इतनी ज़्यादा क्यों? जी हां, देश के तमाम गलियारों में इस बात की खूब होल हल्ला मचा हुआ है कि चिराग पासवान बीजेपी के अगले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के जी हां बिहार से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसी बातें अभी तक बीजेपी ना ही तो ऑफिशियली कभी बोली है, ना ही कभी ऐसी संकेत दी है, लेकिन चिराग पासवान को भी ये पता है कि अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कोई ऐसा युवा चेहरा है जो लड़ सकता है तो उसमें पहला नाम हमारा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव में अपने आप को साबित भी किया था कि हाँ, उस कैपेसिटी के उस लायक वो हैं, जब जनता उन पर भरोसा जता सकती है, उन पर विश्वास जता सकती है। अब जनता के विश्वास और भरोसा जीतने के लिए कितना और भी कुछ होगा ये देखने वाला विषय होगा, पर आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा क्योंकि सभी जानकारियां आप तक पहुंचा देंगे।
बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, जी हां, आलोक और ज्योति का रिश्ता पूरा तरतार हो चुका है। ज्योति और आलोक के रिश्ते में कई नए नए मोड़ भी आए हैं। माना जा रहा है कि इस नए नए मोड़ में नई नई चीज़ें जबरदस्त निकल कर आई है। ऐसे में आलोक और ज्योति के रिश्ते पर सवाल उठाने वाले लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को ऐसा टारगेट करें। और उन्होंने कहा कि पति जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, पति को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कई गाँव की महिलाएँ जो पढ़ती हैं, अब इस पर पढ़ाई लिखाई पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या के केस में एक नए मोड़ में सामने आया है कि कुछ व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है वो व्हाट्सएप चैट उनकी है ही नहीं। ऐसे में इस पर अब पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। SDM ज्योति मौर्या ने मानो जैसे देश में नया बवंडर सला दिया हो। अब पढ़ाई लिखाई करने वाली महिलाओं ने भी उनको टारगेट पर लिया है और कहा है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके हेल्पफुल जी हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता है तो उसे बरकरार रखना चाहिए। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है शिवराज सरकार को लेकर के। शिवराज सरकार ने आदिवासियों के सम्मान में एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आदिवासियों का सम्मान नहीं करते उनका सम्मान हमारे पास नहीं है, और ऐसे में आदिवासियों का सम्मान करने वाले लोगों की हमेशा सम्मान मैं करता हूँ। तो जो व्यक्ति ने ऐसा किया था उस पर NSA लगा करके कार्रवाई की जा रही है और पूरी तरीकों से इस मामले को एक नया हवा मिला था। कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। इस वक्त मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले ये बात साफ है कि कई प्रकार की और भी चीज़ें जो चीज़ें उस पर अहम भूमिका निभाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपने देखा था कि खुद शिवराज सिंह चौहान जो है वो उस व्यक्ति को बुलाए और उसको बुला करके सम्मान दिए, उसका पैर धोए और सम्मान देते हुए उन्होंने इस बात को कबूल किया कि राज्य की सरकार इस मामले पर कार्रवाई कर रही है और आपको डरने की कोई विषय नहीं है, आप बिल्कुल भी ना डरें, आगे की कार्रवाई करें। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नीतीश कुमार को लेकर के। बिहार में नीतीश कुमार पर भी सवाल उठे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार पर सूत्र बताते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जी हाँ 2024 की चुनाव पर अपनी अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी है और 2024 की चुनाव में लगे एक नए समर्थन और सपोर्ट के साथ एक नया बवंडर भी खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार ने साफ स्पष्ट तौर पर कहा है कि जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा चीज़ें ठीक होंगी। देश की जनता और देश की जनता के सामने हमारा विश्वास भी अब काबिज है। हम लोगों ने इस विश्वास के बदौलत अब देश पर काबिज होंगे कि हम जीत करके आकर के आपके तमाम हौसलों को बुलंद करेंगे, और हमारा ये हौसला भी काफ़ी अप्लाई है, काफ़ी मजबूत है। ऐसे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जीतेंगे और जीत करके कुछ बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेहतर ढंग से इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, फिर से बता दें कि 24 की तैयारी को लेकर के कई बड़ी जानकारी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव ने 2024 के चुनाव को लेकर के अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिहार के राजधानी पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अहमदाबाद भी जाना है, वहां पर भी कई जनसभाएं हैं और हम लोगों की राय विचार हो रही है। हम लोग हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जिन जिन कोशिशों पर लगी है उन्हें कैसे खारिज कर सके और बीजेपी का मंसूबा कैसे हम लोग खत्म करें। बीजेपी ये मंसूबा बनाई हुई है कि हमें टारगेट करेंगे। अरे क्या ही टारगेट करेंगे, आप अपने आप को देखिए, फिर आइए, क्योंकि आज आपके ही घर में जी हां आपको हराने की कोशिश हम कर रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया है कि मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए हमारी तत्परता, हमारी मजबूती, हमारी इस देश की क्रांतिकारी तमाम लोग जो हैं समर्थन में हैं, और ऐसे में देश में एक नया परिवर्तन का बयार बहेगा, एक नया हवा आएगा जो यह साफ कर देगा कि 24 के चुनाव हमारे पक्ष में होगी, हमारी जीत होगी, हम जीत कर आएंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राहुल गांधी को लेकर के। आज राहुल गांधी के लिए काफ़ी अच्छा दिन माना जा रहा था, लेकिन खबरें राहुल के पक्ष में नहीं आई। जी हां, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में 2 साल की सज़ा सुनाई थी, और इस मामले पर राहुल गांधी को उम्मीद थी कि गुजरात हाईकोर्ट इस पर बड़ा फैसला देते हुए हमें राहत देगा, पर गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी की और भी मुश्किलें बढ़ गई। अब राहुल गांधी
इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में भी दरवाजा खुला हुआ है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। हाई कोर्ट और निचलतम न्यायालय ने जो मामले को रद्द किया है, इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के बाद में आगे की सुनवाई क्या होगी ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन ये साफ है कि राहुल गांधी को बचाने की कोशिश पूरी तरीकों से की जा रही है। कांग्रेस की पूरी लीगल टीम लगी हुई है इस मामले में, कांग्रेस की पूरी टीम का पसीना भी छूट रहा है। राहुल को बचाना है और कैसे भी सत्ता में वापस लाना है, ऐसे में बीजेपी लगातार राहुल को परेशान कर रही है, यह सूत्र कहते हैं। खैर, अपनी जानकारी के अनुसार जो कुछ भी है वो हमने रखा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।